एक और बड़ी खबर है श्री गंगानगर से। बड़ी खबर है केसरी सिंहपुर के उधम सिंह चौक पर फायरिंग हुई और कार सवार लोगों ने कुछ बदमाशों ने कुछ लोगों पर फायरिंग कर दी। अनियंत्रित कार सड़क पर खड़े ट्रोले में जा घुसी और फायरिंग करने वाले बदमाश फिर वहां से फरार हो गए। घायल कार ड्राइवर को गंभीर हालत में हॉस्पिटल लाया गया। बटीली राठान के दोनों पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं और केसरी सिंह ठाकुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तो देखिए फायरिंग से जुड़ी हुई घटनाएं प्रदेश में कहीं ना कहीं कंपनी का नाम नहीं ले रही। लोगों के पास में शायद इस तरह के लाइसेंस धारी कुछ हथियार होते होंगे, लेकिन जानने की जरूरत यह भी है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है और फिर भी हथियार कैरी कर रहे हैं, क्योंकि फायरिंग यहां पर भी हुई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केसरी सिंहपुर के उधम सिंह चौक पर यह फायरिंग हुई और फायरिंग यहाँ दो पक्षों के बीच में हुई। कार सवार लोगों पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी सुनील सिहाग इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या ये पूरी घटना रही फायरिंग से जुड़ी हुई और क्या पुलिस और अपडेट दे रही है इस पर? देखिए जैसी जो ये अभी घटना घटी है, ये केसरी सिंहपुर के उधम सिंह चौक पे घटना घटी है, क्योंकि इसके अंदर जो अभी अपडेट मिला है उसके अंदर चार लोग गंभीर घायल हुए हैं। फायरिंग के अंदर तीन बाइक पे छह लोग आए थे जिन्होंने कार को घेर कर उधम सिंह चौक पर अंधाधुंध फायरिंग की, उसके अंदर चार लोगों की गोलियां लगी है। फिलहाल जो एक युवक की है जो हालत गंभीर बताई जा रही है और चारों को ही श्री गंगानगर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। केसरी सिंहपुर पुलिस मौके पे पहुंची है और वहां से मौके से कारतूस के खोल भी पुलिस ने बरामद किए हैं और बताया जा रहा है एक बंदूक भी उनको वहां पे मिली है। और जो ये दोनों गुट थे ये मटीली राठान गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। इनके पिछले चार या पांच दिन से लगातार इनके बीच में आपस की रंजिश चल रही थी, आपस पे गुटबाजी थी, गुटबाजी के करके ये आज जो है जो ये मामला सामने आया है। और ये प्रत्यक्षदर्शियों जो माने तो उन्होंने कहा कि पीछे भी दो बार जो आज अभी मुठभेड़ हुई है उससे पहले थोड़ी देर पहले भी दो जगह कार को घेर कर वहां पे फायरिंग हुई। वहां से कार सवार जो युवक है बच के निकल गए और आगे जैसे केसरी सिंहपुर कस्बे के पास है तो वहां पर युवकों ने चारों तरफ से फायरिंग करके उनको चार युवक जो कार में सवार थे उनको घायल कर दिया। फिलहाल एक की गंभीर हालत है और जो कार है जो ट्रोलर में जा घुसी उसके अंदर से कार कटर से ड्राइवर को काट कर कार को बाहर निकाला है। फिलहाल चारों को श्रीगंगानगर रेफर कर दिया है। पुलिस है जो उन बदमाशों की तलाश कर रही है। जयदीप, चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे थे।